हुआ तो किसे चुनेंगे? मोदी जी तो आपका देख नहीं चाहिए इनको, किसे चुनेंगे आप? ये चुनेंगे पप्पू को। देखिए ये चुनेंगे पप्पू को। पप्पू कौन है भाई? अरे पप्पू कौन है पूछिए ना, इनसे खुद बताएंगे। मुझे तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये चुनेंगे पप्पू को। नहीं सुन तो, जो इटली से आके इंडिया में राजनीति कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा ऐसे। अरे मुझे बस इतना बताइए, नीतीश का सरकार बहुत बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसपे मेरा कोई राय नहीं है। राय इसीलिए नहीं है क्योंकि डरते हैं, क्योंकि एनएसए लग जाता है वहाँ पे। आवाज उठाइएगा ना, एनएसए टोक देगा। इसीलिए कैमरामैन फोकस कीजिए एक्सप्रेशन पे। जब 1100 का था तो छाती पीटते थे, अब जब 200 रुपया कम कर दिया है तो बोलते अरे महंगाई तो बहुत बढ़ गया है यार। इनका तो निकलता भी नहीं होगा महंगाई के डर से, कि खाएंगे क्या, निकालना पड़ेगा। डबल हो गया, कितना? 1000 बता रहे थे। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा, महंगाई बढ़ी है 500 से, यदि 900 भी हुआ तो 400। पहले कितना कमाते थे ये? पहले कितना कमाते थे? कितना कमाते थे पहले? मेरा 10,000 सैलरी था। आप कितना है? उसके हिसाब से बढ़ा। अभी मैं स्विगी जोमेटो में काम कर लेता हूँ तो 10-11 हजार कमा लेता हूँ। पेट्रोल वेट्रोल का काट कीजिए, खाना पीना काट कीजिए, बचा लेता हूँ 8-9 हजार। जीरो है, 11-12 हजार बता रहे। अरे वो कह रहे हैं 10,000 बचाते हैं, खसारा खर्चा निकाल करके। तो भैया 25-30 हजार रुपए हो गया है। अब 25-30 हजार रुपए 10,000 से 30,000 रुपए पहुँच गए हैं और फिर भी ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। अरे भैया इनकम भी तो बढ़ा है आपका। एक सवाल मेरा आपसे पूछ रहा हूँ, फिर से मैं पूछूंगा कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार, बहुत सारे नेता है, दोनों तरफ खड़े हैं, सब मिले हुए हैं, कोई एक चुनना हुआ तो किसे चुनेंगे? मोदी जी तो आपका देख नहीं चाहिए इनको, किसे चुनेंगे आप? ये चुनेंगे पप्पू को। देखिए ये चुनेंगे पप्पू को। पप्पू कौन है भाई? अरे पप्पू कौन है पूछिए ना, इनसे खुद बताएंगे। मुझे तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये चुनेंगे पप्पू को। सुन तो, जो इटली से आके इंडिया में राजनीति कर रहा है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, तो ना तो मैं पप्पू को जानता हूं, ना तो फेकू को जानता हूं। मैं किसी को भी नहीं जानता। आपको, आप बिहार से हैं? हाँ मैं बिहार से। आप कुर्सी कुमार को तो जानते होंगे? कुर्सी कुमार कौन है भैया, मुझे बता दीजिए, मुझे तो पता नहीं है। आप किससे? हमारे चाचा नहीं, आपके चाचा होंगे भैया। आप अज्ञान लोगों से पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं? ये खुद ही कह रहे हैं कि हमको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है, और फिर कह रहे हैं कि हम ना मोदी को सपोर्ट करते हैं, ना किसी को सपोर्ट करते हैं। आप करते किसको हैं भैया? मैं अपने आप को सपोर्ट करता हूं। तो आप पीएम बनिएगा, पीएम बनिएगा। बताइए मोदी जी अररिया से चुनाव लड़ेंगे क्या? कौन सा पार्टी से? पार्टी से नहीं है, मजदूर आदमी नहीं होता है, कोई होता है। कोटी पार्टी नहीं होता है, पार्टी से नहीं है। बिहार से है ना? बिहार से। तब नीतीश कुमार का सरकार सही चल रहा है? नहीं। सुनिए ना, सुनिए ना, मैं बताना चाहूंगा ऐसे। मुझे बस इतना बताइए, नीतीश का सरकार बहुत बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसपे मेरा कोई राय नहीं है। राय इसीलिए नहीं है क्योंकि डरते हैं, क्योंकि एनएसए लग जाता है वहाँ पे। आवाज उठाइएगा ना, एनएसए टोक देगा। इसीलिए कैमरामैन फोकस कीजिए एक्सप्रेशन पे, ठीक है? आवाज इनका दब गया है, चेहरा इनका सूख गया है, ठीक है? क्योंकि ये उनको सपोर्ट करने वाले जहाँ पे 1200 का फुल और 600 का हाफ मिलता है। बहुत महंगाई हो गया है, महंगाई तो बढ़ेगा। 1200 को मिलेगा। बिहार में तो दारू बंद है, इसलिए ये तो कोई दिक्कत वाला। होम डिलीवरी मिलता है महाराज। भैया हम तो होम डिलीवरी, हम तो पीते नहीं तो मुझे पता नहीं इस बारे में। वाह वाह वाह, जानते सब है, बताता कोई कोई है, ठीक है? बस वही वाला बात है, मिलता भी है। अच्छा महंगाई बढ़ा है 14 के बाद से ज्यादा? महंगाई बस इतना बढ़ गया कि 1400 को पहले बिहार में दारू मिलता था, 1200 में घर पे मिल जाता है। 500 में सिलेंडर मिलता था, 1000 में मिलता है। 1000 में कहाँ मिलता है? 900 रुपए का मिलता है महोदय, 904 रुपए का मिलता है पत्रकार महोदय। ये वही लोग है, ठीक है? जब 1200 का मिलता था ना तो छाती पीटते थे महंगाई है। जब 1100 का था तो छाती पीटते थे, अब जब 200 रुपया कम कर दिया है तो बोलते अरे महंगाई तो बहुत बढ़ गया है यार। इनका तो निकलता भी नहीं होगा महंगाई के डर से, कि खाएंगे क्या, निकालना पड़ेगा। सीधा डबल हो गया, कितना? 1000 बता रहे थे। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा, महंगाई बढ़ी है 500 से, यदि 900 भी हुआ तो 400। तो पहले कितना कमाते थे ये? पहले कितना कमाते थे? कितना कमाते थे पहले? देखिए सबसे पहले तो मुझे कितना कमाते थे। राजनीति की तरह, नेता की तरह अपना भाषण दे रहे हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, बोलिए 13 में कितना? पहले मैं 10,000 कमाता था, 13 में तो मैं कमाता ही नहीं था। 18 वर्ष से पहले तो कंपनी नौकरी पे रहे।
पहले मेरा 10,000 सैलरी था, आप कितना है उसके हिसाब से बढ़ा। अभी मैं स्विगी जोमेटो में काम कर लेता हूँ तो 10-11,000 कमा लेता हूँ, पेट्रोल वेट्रोल काट कीजिए, खाना पीना काट कीजिए, बचा लेता हूँ 8-9,000। जीरो है, 11-12,000 बता रहे। अरे वो कह रहे हैं 10,000 बचाते हैं, खसारा खर्चा निकाल करके। तो भैया 25-30,000 रुपए हो गया है, अब 25-30,000 रुपए 10,000 से 30,000 रुपए पहुँच गए हैं और फिर भी ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। अरे भैया इनकम भी तो बढ़ा है आपका, ये नहीं बताएंगे। ये खाली ये चमचे हैं, ठीक है, चमचों का ज्ञान है। यहाँ पर आएंगे, एजेंडा चलाएंगे, छाती पीटेंगे, फिर घर में जाके दो पैग लगाएंगे, सो जाएंगे। इनका कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। एक सवाल और है, एक सवाल नौकरी ये क्या अभी भी फिर पिकर के आए बोलिए। अरे नौकरी नहीं कर रहे क्या? कौन निकल? अरे सब सर ये सब कमा रहे हैं, फिर भी बेरोजगार है। एक सवाल विपक्ष बोल रही है कि बीजेपी भगवान राम को चुनावी मैदान उतार चुके, चुनावी लड़ने वाले हैं। अरे यार एक बात बताइए, जो राम भगवान के जिनके खुद के साथ के हैं, ठीक है, पर्सनल अटैक करेंगे, ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। क्या मैंने आपको थप्पड़ मार दिया? महंगाई पर तो बात हो रहा है, मुद्दों पे बात करो। अभी महंगाई पर ही बात हो रहा था। क्या पर्सनल अटैक कर दिया? आपके बीवी के बारे में पूछ लिया, आपके घर पे चला गया। देखो भाई आगे बंद करवाने वाले यार, अच्छा चल रहा था, बाकी बन रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए था लोकसभा।